नमस्ते। आज की पीडीएफ नंबर सेकंड में हम बात करेंगे विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। हम समझते हैं कि वृद्धि और विकास का अर्थ क्या होता है। मानव विकास का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण अध्ययन है। अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो उसमें हमें मानव के विकास के बारे में बात करना बिल्कुल ज़रूरी है। एक शिक्षक को बालक की वृद्धि के साथ साथ उसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के विकास व उसकी विशेषताओं का ज्ञान होना आवश्यक है। मतलब अगर हम बच्चे की वृद्धि के साथ साथ उसके विकास पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो हमें इसे बाल विकास का हिस्सा नहीं मानेंगे। वृद्धि शारीरिक अंगों की होती है लेकिन विकास मस्तिष्क का होता है। शारीरिक विकास भी होता है लेकिन शरीर की वृद्धि होती है, मस्तिष्क का विकास होता है। विभिन्न प्रकार के विकास और उसकी विशेषताओं का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी वो शिक्षा की योजना का क्रियान्वयन विकास और वृद्धि के संदर्भ में कर सकता है। मतलब किसी भी बच्चे किसी भी व्यक्ति की वृद्धि के साथ साथ उसका विकास होना भी ज़रूरी होता है। एक साइंटिस्ट है फ्रैंक ने बताया कि वृद्धि को कोशीय वृद्धि के रूप में प्रयुक्त करते हुए कहा है कि शरीर एवं व्यवहार के किसी भी पहलू में होने वाले परिवर्तन वृद्धि कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम छोटे बच्चे की बात करें, बड़े वयस्क की बात करें, तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी जीव विज्ञान के अनुसार कि दुनिया में हर वो सजीव वस्तु व्यक्ति जो दुनिया में मोटिलिटी मोशन गति करता है, हर किसी का शरीर पेड़ पौधे वगैरह सारों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनता। तो फ्रैंक ने कोशिकाओं के आधार पर इस वृद्धि को समझाया। मैं फिर आपको बताना चाहूँगा वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। वृद्धि शरीर के अंगों की होती है और वृद्धि एक निश्चित उम्र तक होगी, लेकिन विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है व्यक्ति में परिवर्तन आते रहते हैं, वे विकास कहलाते हैं। मतलब शारीरिक अंगों में जो वृद्धि हो रही, शारीरिक अंगों में जो परिवर्तन हो रहा है वो वृद्धि है, लेकिन समय के साथ जो व्यक्ति में परिवर्तन आते हैं उन्हें विकास कहते हैं। एक साइंटिस्ट है मेरेडिथ के अनुसार वो क्या बताते हैं कि कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि में करते हैं, कुछ लेखक सिर्फ हम वृद्धि को ही परिवर्तन मानते हैं, और विकास का प्रयोग विभेद या विशिष्टीकरण में करते हैं। मतलब कुछ मेरेडिथ वैज्ञानिक जो है वो ये मानते हैं कि वृद्धि ही परिवर्तन लाती है, लेकिन विकास विभेद मतलब अंतर को दर्शाता है। वृद्धि और विकास का अर्थ समझने के लिए हमें उनके अंतर को समझना आवश्यक है। हम देखते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। एक वैज्ञानिक है सोरेनसन क्या बताते हैं कि सामान्य रूप से वृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। फिर बताना चाहूँगा आपको मैं कि वृद्धि जो ग्रोथ शब्द है वह शरीर के अंग ऑर्गन और उनका भार मतलब वेट मतलब मास में जो वृद्धि होती है उसके लिए किया जाता है। इस वृद्धि को मापा या तोला जा सकता है, मेजरमेंट कर सकते हैं। विकास का संबंध वृद्धि से अवश्य होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वृद्धि भी विकास के जैसी ही है, पर यह शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तन को विशेष रूप से व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए हम बात करें हड्डियों के आकार में वृद्धि होती है, पर कड़ी हो जाने के कारण उनके आकार में भी परिवर्तन आता है, हड्डियाँ ठोस होती हैं। इस प्रकार विकास में वृद्धि का भाव सदैव निहित रहता है। मतलब वृद्धि तो अपने आप में एक कारक है शरीर के शारीरिक अंगों की वृद्धि, लेकिन विकास में भी हम वृद्धि को देख सकते हैं। फिर भी लेखकों द्वारा दोनों शब्दों का प्रयोग साधारणतः एक ही अर्थ में किया जाता है। फिर भी कुछ लेखक ऐसे हैं जो वृद्धि और विकास को एक ही मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे का संपूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया उसी समय से आरंभ हो जाती है जिस समय से बालक का गर्भाधान होता है। बालक गर्भ में आता है, धीरे 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 9 माह का जो 270 दिनों का जो प्रेगनेंसी टाइम पीरियड होता है उसी में क्या होता है बालक का धीरे धीरे विकास होता जाता है, वो अपने आप पे भ्रूण कहलाता है। ये प्रक्रिया उसके जन्म के बाद भी चलती रहती है। जब बालक दुनिया में नहीं आता है तब भी विकास प्रारंभ हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, लेकिन जब बालक दुनिया में आ जाता है उसके बाद भी विकास चलता रहता है।
ये प्रक्रिया उसके जन्म के बाद भी चलती रहती है, फलस्वरूप वो विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, जिसमें उसकी शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, बालक अवस्था है, किशोर अवस्था है, युवा अवस्था है, वयस्क अवस्था है, वृद्धावस्था है, सारी। तो इसमें उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आदि विकास होता है। अब हम वैज्ञानिक के हरलॉक के अनुसार देखें तो विकास वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय हम प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वृद्धि और विकास भी निरंतर बढ़ते चले जाते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रवृत्ति होती, मतलब हम बात करें जैसे जैसे विकास होते जाएगा वैसे वैसे नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं भी प्रकट होते चली जाती हैं। अगर हम बात करें विकास की विशेषताओं की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट की, तो वो कौन कौन सी हो सकती है। हम पहली विशेषता की बात करें तो विकास एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत मतलब जब तक जीवन ख़त्म नहीं होता तब तक विकास चलता रहता है। विकास की गति धीमी हो सकती है लेकिन विकास रुकता नहीं है, जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत होता रहता है। मतलब जब बच्चा गर्भ में आता है तब से लेकर जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक विकास चलता रहता है। दूसरा है विकास परिवर्तन प्रायः व्यवस्थापरक, प्रज्ञातापरक और नियमित होते हैं। मतलब विकास नियमित रूप से चलता रहता है, व्यवस्थाओं के रूप में चलता रहता है। सामान्य रूप से विशिष्ट, सरल से जटिल और एकीकृत से क्रियात्मक स्तर के अग्रसर होने के कारण प्रायः एक पैटर्न का अनुसरण करता है। विकास हर उम्र में एक जैसा नहीं होता है, यह हर उम्र की अवस्था में, हर उम्र के चरण में, स्तर में विभिन्न प्रकार का होता है, जिसे हम पैटर्न कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि विकास जो होता है वो पैटर्न के फॉर्म में चलता है। तीसरा है विकास बहुआयामी होता है, बहुत सारे आयाम होते हैं, अर्थात कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तीव्र वृद्धि को दर्शाता है जबकि अन्य क्षेत्रों में कुछ कमियां भी दिखाई पड़ती है। इसका मतलब यह होता है कि हमेशा विकास में एक जैसी वृद्धि नहीं होती है, कुछ में तीव्र होती है, कुछ में मंद होती है। चौथा देखें विकासात्मक परिवर्तनों में प्रायः परिपक्वता में क्रियात्मकता के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है। जैसे जैसे मैच्योरिटी के लेवल की ओर बढ़ते हैं, परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमको इसमें वृद्धि देखने के लिए, हाई लेवल वृद्धि देखने के लिए हमको मिलती है। उदाहरण के लिए बात करें शब्दावली के आकार और जटिलता में वृद्धि। शब्दावली जो होती है हमारी, उसमें धीरे धीरे जटिलता भी आती है, सरलता भी आती है, परंतु इस प्रक्रिया में कोई कमी अथवा क्षति भी नहीं हो सकती। कोई कमी भी हो सकती, कोई क्षति नुकसान भी हो सकता है। जैसे हड्डियों के घनत्व में कमी, हड्डियों की डेंसिटी जो होती है उसमें भी कमी हो जाती है, या वृद्धावस्था में स्मृति क्षीण होना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे व्यक्ति की मेमोरी भी धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाती है। पाँचवा है इसके अतिरिक्त तो वृद्धि और विकास होते हुए एक समान नहीं होता है। अगर हम वृद्धि और विकास की बात करें इसमें अंतर भी होता है और यह समय के साथ एक जैसा नहीं चलता। विकास के पैटर्न में प्रायः सपाटता, प्लेटियस देखने को मिलती है, सपाटता होती है, फ्लैट काम होता है, जिसमें एक ऐसी अवधि का संकेत नहीं मिलता है जिसके दौरान कोई सुस्पष्ट सुधार देखने में नहीं होता। कभी कभी हमको ऐसा भी नज़र आता है कि विकास हुआ ही नहीं है। उसको हम सपाटता का नाम भी दे सकते हैं, जब हमको ऐसा लगने लगे कि कोई विकास हुआ ही नहीं है, कोई विकास देखने के लिए मिला ही नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। छठा है विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव हो सकते हैं। जैसे आयु बढ़ने के साथ कद का बढ़ना, अथवा गुणात्मक जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण। उसके बाद विकास की प्रक्रिया सतत के साथ साथ विच्छिन्न अर्थात दोनों प्रकार से हो सकती है, कंटिन्यूस भी हो सकती है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकती है। जैसे पहले दांत निकलना, छोटे बच्चे जब होते हैं तो दांत निकलते हैं, जबकि कुछ परिवर्तन को दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रियाओं में आसानी से देख पाना संभव नहीं होता है। हम हर दिन अपने आप को वैल्यूएट नहीं कर सकते कि हमें आज क्या परिवर्तन हुआ है, एक महीने में क्या परिवर्तन हुआ है, क्योंकि वो प्रखर नहीं होते। जैसे व्याकरण को समझना। लास्ट विशेषता विकास की है विकासात्मक परिवर्तन सापेक्षतः स्थिर होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्थिर होते हैं, जैसे मौसम, मौसम चलेगा तो चार महीने तक स्थायी मौसम रहता है। कई अपवाद स्वरूप बारिश के दिनों में गर्मी का एहसास होता है, गर्मी के दिनों में बारिश का एहसास होता है, ठंड के दिनों में वर्षा
बारिश का एहसास होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, स्थायी रूप से चलता है। थकान अथवा अन्य आकस्मिक कारणों से होने वाले अस्थायी परिवर्तनों को विकास की श्रेणी में नहीं रख सकते। मतलब मौसम है, थकान है, इनको हम विकास की श्रेणी में नहीं रख सकते। तो ये हमारा हुआ वृद्धि और विकास का अर्थ क्या होता है, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है और विकास की विशेषताएँ क्या है। इसके बाद के लेक्चर में हम बात करेंगे वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, धन्यवाद।